नमस्कार दोस्तों, मैं मंचु सब कुछ लर्न का आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, भिन्न का भाग। ठीक है, आप उसके बारे में सीखने के लिए, भिन्न के भाग को पूरे सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको भिन्न के भाग। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? भिन्न का भाग। ठीक है, भिन्न के भाग सीखने के लिए एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। इसे 2/3 है, डिवाइड बाय 3/4। ठीक है, सपोज ये मैंने ले लिया फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 डिवाइड बाय 3/4। ठीक है, आप इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्म ये है कि आप इसको जस्ट इन अपोजिट करके रेसिप्रोकल बनाएंगे। रेसिप्रोकल आपको पता है, रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे 3/4 है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। 1/2 है, इसका हो जाएगा 2/1। अगर 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2/3। ठीक है, जो अंश है उसको हर बनाते हैं, और जो हर है उसको अंश बनाते हैं। जो नॉमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसको नॉमिनेटर में ट्रांसफर करते हैं, उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, अब डिवीजन में रेसिप्रोकल मेथड का यूज किया जाता है। अब मैं बताता हूँ डिवीजन में रेसिप्रोकल कैसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, 2/3 डिवाइड बाय 3/4। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 3, और जैसे रेसिप्रोकल लिखेंगे वैल्यू को, जैसे 4/3 लिख दिया मैंने, ठीक, अब रेसिप्रोकल वैल्यू हो गए। अब जैसे रेसिप्रोकल आप लिखेंगे इसके सामने, तो डिवीजन साइंस मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन सीखने के लिए मैं बताता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन, अगर एक नीचे डिस्क्रिप्शन में मल्टीप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 × 8 और 3 × 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका डिवीजन का आंसर हो जाएगा 8/9। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको। सपोज 4/5 है, डिवाइड बाय 5/3 है। ठीक है, अब इसका डिवीजन करना है, तो इसको हम पहले इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4/5 और 3/5। ठीक है, रेसिप्रोकल में हो गया। अब इस साइन को, जो डिवीजन के साइन है, वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब 4 × 3 = 12, 25 = 25। अब इस तरह से डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। कितना भी लंबा हो उसको आसानी से आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। पहले उसका डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट, पहले रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करो, और फिर उसके बाद साइन को मल्टीप्लाई करो, हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।